नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। रविपथ न्यूज़ और द न्यूज़ नेटवर्क की विशेष कवरेज आपने लगातार 24 की चौधर में देखने को मिली। इस वक्त 5 बज चुके हैं और चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 23 मई को शाम 5 बजे तक सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने की, साउंड पर जोर से रैलियां करने की, जनसभाएं करने की तमाम इजाज़त थी, लेकिन 23 तारीख को 5 बजे के बाद वो शोर शराबा थम गया है। अब आप कर सकते हैं तो छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, डोर टू डोर जाकर के अपने वोटों की अपील कर सकते हैं। हम हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से मुख्यतः 4 पार्टियों के जो 4 प्रत्याशी थे वो सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्हें सबसे पहले टिकट मिली और टिकट लेने के बाद वो चुनाव प्रचार के लिए आए तो किसानों के रूप में उन्हें काफ़ी सारा विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब चुनाव के अंतिम दौर तक आते आते उन्होंने अपने चुनाव को बाखूबी संभाला और विरोध को कहीं न कहीं अपने पक्ष में करते हुए चुनाव प्रचार को संभाला और जमकर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी की। जयप्रकाश जेपी को कहीं न कहीं किसानों का जो विरोध बीजेपी के खिलाफ था उसका सहारा मिला और वो चुनाव प्रचार में लेट आए, लेकिन अपने चुनाव प्रचार की ये गति लगातार बनाए रखी और चुनाव प्रचार में दिन प्रतिदिन बढ़त की ओर नज़र आई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जेजेपी की, जेजेपी को भी कहीं न कहीं किसान आंदोलन की मार झेलनी पड़ी, लेकिन इसके दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात हो या जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला की, किसानों के बीच में गई, विरोध प्रदर्शन का सामना किया, कहीं न कहीं अपनी भूल सुधार का जिक्र भी किया और धीरे धीरे अपने इलेक्शन को ट्रैक पर ले आई। लेकिन इन सब के बीच में इनेलो पार्टी की प्रत्याशी सुनैना चौटाला को बहुत एडवांटेज यहाँ पर मिला। उन्हें ना तो किसी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा और बड़ा सही तरीके से अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाती रही। अब सबकी निगाहें हैं तो 25 मई के मतदान पर है। चारों प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत की, अपने अपने पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी किस प्रकार से 2024 के इस चुनाव का विज़न लेकर के आई है। बीजेपी, कांग्रेस, जजपा और इनेलो, चारों पार्टियों ने लोगों को अपने अपने चुनावी मुद्दे बताए, लेकिन उन मुद्दों पर जनता किस प्रकार से अपना मतदान करेगी, किस पार्टी को कितना अपना जनमत देगी, ये तो मतदान के दिन पता चलेगा कि मतदाता किस प्रकार से किन मुद्दों को अपने जहन में रखते हुए मतदान करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की तो ये लगभग रणजीत सिंह चौटाला ने जो 2 महीने तक चुनाव प्रचार किया और जो बाकी प्रत्याशी थे वो करीबन 1 महीने तक, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को 1 महीने पहले टिकट मिल गई थी, लेकिन जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था कि रणजीत चौटाला को 1 महीने पहले टिकट मिलने का फ़ायदा ये भी हुआ कि वो विरोध के बाद भी अपने इलेक्शन को संभाल पाए। और आज कहीं न कहीं हिसार लोकसभा की बात की जाए तो 2 पार्टियों में मुख्यतः मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। यहाँ पर बात करें जेजेपी और इनेलो की तो दोनों पार्टियाँ कहीं न कहीं अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी अपनी जीत का दावा ठोका है। चाहे सुनैना चौटाला की बात हो या नैना चौटाला की बात, चारों प्रत्याशियों ने जीत और मेहनत की है और चुनाव प्रचार में किसी की कोई कमी नज़र नहीं आई। बहुत सारे उतार चढ़ाव चुनाव के दौरान देखने को मिले, अलग अलग तरह के वादे इरादे यहाँ पर देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे घटनाक्रम सामने आए जो मतदाताओं तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ज़रूरी भी थे। इन सब के बावजूद मतदाताओं ने किस प्रकार की राय बनाई है और किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर के मतदाता अपना मतदान करेंगे वो तो 25 मई को जिस दिन मतदान होगा उस दिन पता चलेगा और 4 जून को जिस दिन मतगणना होगी यहाँ हिसार की लोकसभा की जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाल फिलहाल की बात की जाए तो चुनाव प्रचार का शोर बंद हो चुका है। प्रत्याशियों को अब डोर टू डोर जा कर के 1 दिन बीच में है मतदान के, अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है, अपने
पार्टी के मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाने हैं और जो पीछे का एक डेढ़ दो महीने तक का जो सफ़र रहा है उसका सारांश मतदाताओं तक पहुंचाना है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार शोर शराबा बंद हो चुका है और अब मतदाताओं तक प्रत्याशी अपनी बात रखने का, बात बताने का मात्र 24 घंटे का समय उनके पास करीब करीब बचा है। उसके बाद मतदान होगा और हम अपने मीडिया हाउस की ओर से, रवि पथ और द न्यूज नेटवर्क की ओर से मतदाताओं से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें। पहले सारे काम छोड़ करके मतदान के लिए जाएं और मतदान ये जो पर्व है लोकतंत्र का, इसे मनाएं और अपना प्रत्याशी चुनें। और मतदाताओं से पुनः अपील करते हैं कि आप मतदान केंद्र पर जाइए, 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कीजिए और देश के लोकतंत्र के पर्व को बड़ी खुशी खुशी मनाइए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रवि पथ, हिसार।